हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तनिष्क कोचिंग क्लास। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंग्लिश से कुछ बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट नाउन, ए डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ नाउन विथ डिटेल्स लेकर आया हूँ। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। फर्स्ट नाउन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा पांच प्रकार की होती है। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा पांच प्रकार की होती है। फर्स्ट कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। थर्ड कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, द नाउन दैट इंडिकेट्स ओनली वन काइंड्स ऑफ एनिमल थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। वह संज्ञा जो सिर्फ एक ही प्रकार के जानवरों को, वस्तुओं को की ओर संकेत करती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। सेकेंड इसका लाइक एग्जाम्पल्स, लाइक हॉर्स, मैन, बुक, टेबल, पेंसिल एक्सेट्रा। यहाँ दोस्तों हॉर्स, सिर्फ घोड़ों की बात की जा रही है, एक ही प्रकार के जानवरों की बात की जा रही है। मैन आदमी, बुक पुस्तकें, एक ही प्रकार की जो होंगी इसमें आए, टेबल्स, पेंसिल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट प्रॉपर नाउन, द नाउन दैट शोज ओनली पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स। वह संज्ञा जो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग्स को बताती है, और प्रॉपर नाउन होंगे। थर्ड इसके एग्जांपल्स देखते हैं प्रॉपर नाउन के। फर्स्ट राम, सीता, कालिदास, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, ये सब पर्संस के नाम में आएंगे। नेक्स्ट आता है जैक, एनिमल नेम, डॉग एक कुत्ते का नाम, मोती घोड़े का नाम, श्यामा गाय का नाम। ये एनिमल्स के लिए यदि पर्टिकुलर नाम का यूज किया जाता है तो दोस्तों वो प्रॉपर नाउन होगा। थर्ड आगरा, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, सिटीज के लिए यूज हुआ है। ये पर्टिकुलर सिटी का नाम लिया जाता है तो प्रॉपर नाउन होगा। फोर्थ ताजमहल, हवा महल, रेड फोर्ट बिल्डिंग्स के लिए, तो पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम आने पर ये आपका प्रॉपर नाउन बन जाता है। अब आता है थर्ड टाइप का नाउन, कलेक्टिव नाउन। द वर्ड दैट इंडिकेट्स द ग्रुप आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। वे शब्द जो एक समूह की ओर संकेत करते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स, आर्मी, बैंड, टीम, बंच, बंडल, क्लास, क्राउड एक्सेट्रा। यहाँ दोस्तों आर्मी सेना के लिए यूज हुआ है, बैंड समूह के लिए यूज हुआ है, टीम प्लेयर्स, यहाँ पर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स टीम होगा, बंच लाइक ग्रेप, बंच ऑफ ग्रेप्स,
bunch of keys, bunch of bananas, etc. बंडल, यहाँ दोस्तों किसी भी चीज़ को कलेक्ट करके उसको यदि बांध दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड बंडल. क्लास, क्लास आपका ग्रुप होगा, इसमें पर्टिकुलर क्लास के लिए यूज होगा. इसमें स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स. क्राउड, भीड़ के लिए. नेक्स्ट मटेरियल नाउन. द नाउन्स दैट इज यूज टू मेक अनदर थिंग्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन. तो यहाँ दोस्तों सॉरी, टू का यूज नहीं करें, कॉल्ड मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन यहाँ पदार्थवाचक संज्ञा होगी. वे संज्ञा जो कि दूसरी चीज को बनाने में उपयोग लाई जाती है, जिनसे कोई दूसरी उपयोगी चीज बनाई जाती है, ये सभी मटेरियल नाउन्स में आते हैं. जैसे एग्जांपल्स, गोल्ड, एक सोना. तो गोल्ड इज यूज टू मेक मेकिंग ज्वेलरी. सिल्वर, इट इज आल्सो यूज टू मेकिंग ज्वेलरी. ये भी ज्वेलरी बनाने में यूज होगा. फ्लोर, आटा, यहाँ ब्रेड, चपाती आदि बनाने में काम आएगा. और लास्ट वाटर, आइस, पानी का यूज भी हम दूसरी चीज़ें बनाने में करते हैं, इसलिए इट इज आल्सो मटेरियल नाउन. नेक्स्ट देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द वर्ड दैट शो फीलिंग्स, वर्क, क्वालिटी एंड कंडीशन आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके फीलिंग्स, भावना, काम, गुण और दशा को बताने के लिए जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं. लाइक जॉय, आनंद, हेट, घृणा, नफरत, ग्रीफ, दुख, फ्रीडम, स्वतंत्रता, बॉयहुड, बचपना, इलनेस, बीमारी, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ड्यूटी, ब्यूटी, सुंदरता, एक्सेट्रा. ये दोस्तों ये जो वर्ड्स होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स होंगे. ये वर्ड दिखाई नहीं देते, इनको सिर्फ फील किया जा सकता है, महसूस कर सकते हैं आप, लेकिन ये दिखाई नहीं देते. अब दोस्तों हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन. क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, तो फर्स्ट नाउन, फिर इसमें आता है आपका प्रॉपर नाउन लाइक मोहन, सरला, गंगा, एक्सेट्रा. कॉमन नाउन, सिटी, बॉय, रिवर्स, गोल्ड, एक्सेट्रा. कॉमन नाउन इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन्स लाइक गोल्ड, ब्यूटी, जॉय, वाटर, एक्सेट्रा. काउंटेबल नाउन पेन, सिटी, वॉय, रिवर्स, एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है दोस्तों काउंटेबल नाउन्स इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन काउंटेबल नाउन में आपका आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक वरी, जॉय. और नेक्स्ट आता है कॉन्क्रीट नाउन, सिटी, ट्रीज. यहाँ अनकाउंटेबल नाउन ऑनेस्टी, म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा. और अनकाउंटेबल नाउन का सब कैटेगरी होगी कॉन्क्रीट
noun like gold or milk, etc. अब देखते हैं countable noun. Countable noun, those nouns that can be counted are called countable noun. वे संज्ञाएं जिनको गिना जा सकता है गणनीय संज्ञाएं कहलाती हैं. लाइक एग्जाम्पल है पेन बॉय ट्री डेड एक्सेट्रा. इनको दोस्तों हम गिन सकते हैं. तो ये यहाँ अभी सिंगुलर फॉर्म में है और इनके प्लूरल बनाए जा सकते हैं. काउंटेबल नाउन कैन बी प्लूरल फॉर्म इन प्लूरल फॉर्म. अनकाउंटेबल नाउन दोज नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. वे संज्ञाएं जिनको गिना नहीं जा सकता अनकाउंटेबल नाउन कहलाती हैं. दीज आर नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म. ये बहुवचन के रूप में उपयोग नहीं की जाती. एग्जाम्पल्स पीपल कैटल व्हीट वाटर एक्सेट्रा. इनका दोस्तों हम बहुवचन नहीं बनाते हैं प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं करते एज अ सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं. तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. और यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा लें जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके. तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.